हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। पहले बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में जो हम लोग आज का वीडियो में जो हम लोग क्लास टेंथ का सोशल साइंस का, यानी कि सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी का वर्कशीट नंबर 4 करने वाले, ठीक है। और आज का जो वर्कशीट है ये हमें दे रखा है रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस रिसोर्सेज के बारे में दिया गया, जैसे कि लैंड क्या होता है, सॉइल क्या होता है, वाटर क्या होता है। लैंड का हम लोग यूज अलग अलग पर्पज़ से करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे खेती के लिए यानी कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बनाने के लिए, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, कारखाने लगाने के लिए, ये सब करते हैं। सॉइल यानी कि मृदा यानी कि मिट्टी, तो सॉइल जो है एक इम्पोर्टेंस रिसोर्सेस माना जाता है, यानी कि जो सॉइल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेस है। जितने भी तरह का सॉइल होता है, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, सारा के सारा कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में, जो कि विच इज़ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू द ऑर्गेनिज्म, जो कि एक तरह से सोर्स है किसके लिए, न्यूट्रिशन टू द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के लिए एक तरह से सोर्स है, जो मतलब जीव जंतु को पोषण देता है, आहार देता है, ठीक है। वाटर के बारे में आप लोग पढ़ा, द लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर, जो जीवन है वो पानी के बिना संभव नहीं है। इसका हम लोग यूज कुकिंग में, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग क्लॉथ, इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। आप लोग लिखोगे इट इज यूज इन कुकिंग, इट इज यूज इन ड्रिंकिंग, इट इज यूज इन वॉशिंग क्लॉथ, इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज, इट इज। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन जैसे ट्री, प्लांट, इसी, ये सब ये इंपॉर्टेंस रिसोर्सेस होते हैं, हमें स्रोत है ऊर्जा स्रोत का। प्लांट्स प्रोवाइड, जो हमें लकड़ी जो है क्या, प्लांट्स पौधे का टिम्बर, शेल्टर देता है एनिमल के लिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो हम लोग सांस लेते हैं, ये सब। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एक्वाटिक लाइफ फॉर्म, जो जलीय जीव होगी ये सब होता है। ये हमें मिल्क, मीट, ऊन, हनी, इटीसी, ये सब चीज़ प्रोवाइड हमें करता है। मिनरल्स जैसे खनिज पदार्थ हो गया, कोयला, आयरन, अलमुनियम, कॉपर, इटीसी, ये सब हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, ठीक है बच्चों। उसके बाद आज का वर्कशीट का क्वेश्चन था 3, हाउ इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है। मेंशन 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मेंशन सम मिनरल्स डेट आर बींग यूज इन आवर हाउसेस। पहला क्वेश्चन था पानी हमारे लिए कैसे उपयोग है, तो पहले हम बता दें ह्यूमन बॉडी के अंदर 75% वाटर है, ये हमें स्वस्थ रखता है। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड वाटर टू सर्वाइव, जीने के चाहिए। वाटर क्वेश्चंस द स्पाइनल कोड, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, कीप अस क्लीन, और भी लिख सकते हो, वाटर इट यूज फॉर इन ड्रिंकिंग, वाथिंग, वॉशिंग, ये सभी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन था मेंशन एनी 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, 5 नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आपको लिखना था। तो 5 मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर बनियान, नीम, पीपल, साल एंड सीसम, ये सारा हो गया नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ में लायन, टाइगर, डियर एंड स्नेक यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा जो था कुछ मेंशन मिनरल्स का नाम लिखना था जो हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, आयरन, पेट्रोलियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडा, अल्मोनियम, आप लोग और लिख सकते हो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, ठीक है, ये सारे चीज़ भी आप लोग लिख सकते हो, कोई सा भी 5, ओके बच्चों। तो ये 3 बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था जो हम लोग कर भी लिए, और उम्मीद करते ये जो है वीडियो आपका वर्कशीट करने में काफ़ी मददगार रहेगा, आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।